हेलो दोस्तों, विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, इसमें जो है 1 से 15 नंबर तक हम आपको सिखाएंगे और बताएंगे कि रूल ऑफ विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दो से। दो का विभाज्यता का नियम, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें होता है कि 0 से लेकर 2, 4, 6, 8 ये सब जो संख्याएं हैं, दी गई संख्या में इकाई स्थान पर अगर ये संख्याएं आती हैं तो वो 2 से विभाजित होगा। जैसे अब कोई संख्या हम ले लेते हैं एग्जांपल में, जैसे 20, 18, 25, 30, 32, ठीक है। तो इसमें देखिए 0 है, ये विभाजित है, 18 8 है, विभाजित है, 5 नहीं है, 0 है तो ये भी है, ठीक है। अब 3 से क्या कहता है, 3 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, 3 का नियम क्या है, ठीक है। 3 से नियम ये कहता है कि संख्याओं का योग, जो संख्या दी होगी, जैसे कोई संख्या दी है, क्या दी है, दी गई संख्या जैसे हम ले लेते हैं 555, ठीक है। अब हम इसको योग करेंगे, दी गई संख्याओं का योग करेंगे 5, अगर वो विभाजित हो जाती है 3 से तो मतलब पूरी संख्या 3 से हो जाती है, 5, 5, 10, 5, 15, 15 हुआ। अब ये संख्या 3 से विभाजित है, 3 × 15 मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है। इसी प्रकार एक एग्जांपल और, 1 + 1 + 1 111 का देख लेते हैं, ये भी 3 × 9 कट गया ना, मतलब ये 3 × 9 बचा कितना, 2 × 4 = 321, ये भी हो गया। अब 4 से विभाज्यता का नियम दोस्तों क्या कहता है, 4 से विभाज्यता का नियम ये क्या कहता है, इसमें दोस्तों ये है कि अंतिम के दो अंक जो है वो जो है अगर विभाजित हो जाते हैं 4 से तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो अंतिम के दो अंक जैसे कोई भी बड़ी संख्या 25, 44, 55, 72 और उसके बाद 24, तब ये संख्या अगर अंतिम की 4 से विभाजित हो गई तो पूरी संख्या 4 से विभाजित है दोस्तों। ये होता है विभाज्यता का नियम 4 का। अब जो है आगे आता है 5, 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, 5 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि दोस्तों अगर कोई संख्या है जिसके इकाई के स्थान पर 0 या 5 होगा तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या ले लिए 5000, दूसरी संख्या ले लिए 2, 5, 3, 5, इकाई के स्थान पर 0 है तो ये संख्या पूरी 5 से विभाजित होगी। इकाई के स्थान पर 5 है तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। चेक करके आप देख सकते हैं 5 × 25 = 25, 5 × 7 = 35, 5 × 9 = 50, ठीक है। तो ये अब 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 6 से दोस्तों विभाज्यता का नियम क्या ये कहता है कि यदि कोई संख्या है, यदि कोई संख्या जो जिसमें 2 और 3 का नियम फॉलो, 2 और 3 का नियम क्या है, 2 और 3 का नियम क्या है, 2 का नियम है कि 0 होना चाहिए, 3 का नियम है जोड़ने पर आना चाहिए। तो अगर इसमें 6 या 7 विभाज्यता का नियम में 2 या 3 का नियम फॉलो हो रहा है तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। तो एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में क्या 2, 1, 8, 4 है, 2, 1, 0 है, तो इसमें क्या है कि देखिए 2, 1, 3, 8, 3, 11, 4, 15 जोड़ लिए, 3 का वाला नियम फॉलो हुआ, 15 जो है कटा नहीं कटा, मतलब ये 2, 1, 3, 4 है तो हम दूसरा वाला 2, 3 का नियम तो नहीं फॉलो हुआ लेकिन 2 का फॉलो हो गया, तो कितना 36, 18, 19, 20, 21, 3 इधर गया, 56, 36, 37, 38, 2 इधर गया, 6, 4, 24, देखिए कट गया संख्या 6 से। अब इसमें 0 है, 36, 18, 3 इधर गया, 56, 30 कट गया ना, तो संख्या ऐसे ही कट जाएगी। अब 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 7 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि जो संख्या, जैसे कोई संख्या है सात से विभाज्यता का नियम में ये कहती है कि नियम कि जैसे कोई संख्या है, जैसे हम कोई संख्या ले लिए
392, ठीक है। तो हम इसके जो है दो, मतलब इकाई के, ये इकाई वाला स्थान है, इकाई को दो गुना करके बाकी संख्या से घटा देंगे। तो इकाई का दो गुना कितना होगा, दो गुना चार हो गया। अब 39 में से चार माइनस कर देंगे तो कितना हुआ, 35 हुआ। अब 35 जो है सात से कट गया ना। कोई और उदाहरण देखते हैं, जैसे कोई उदाहरण देख लेते हैं, 355 देख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है अंतिम संख्या जो है 5 है, इसका वर्ग करेंगे कितना होगा, 25 होगा। इसमें से 25 माइनस कर देंगे तो बचा कितना, 10। ये विभाजित हुआ, नहीं हुआ, तो मतलब ये संख्या नहीं विभाजित होगी, ठीक है। 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, 8 में दोस्तों ये कहता है कि किसी संख्या की इकाई से सैकड़ा तक के अंक अगर 0 हो, जैसे 25,000 हो गया, 35,000 हो गया, इधर से सैकड़े तक अंक 0 है, 0 है ना, तो वो संख्या 3 से 8 से विभाजित हो सकती है। अगर इसकी संख्या 0 है, संख्या इकाई से सैकड़ा तक के अंक अगर 0 हो, इधर के अगर 3 अंक 0 हैं या फिर तीनों अंक विभाजित हो जाए जोड़ने पे, तो ये संख्या 3 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इधर से 0 तक कितने अंक, 0 0 हैं, तो हम ट्राई करते हैं विभाजित होगी नहीं, तो 8 3 24, एक इधर गया, 8 1 9 8 हुआ, 2 इधर, 8 2 16, 8 1 24, 16 गया, 4 इधर गया, 8 5 40, ये संख्या कट गई। और ये 8 3 24, 8 4 32, 3 इधर गया, 8 4 32 ज़्यादा हो गया, 8 3 24, 24 6 इधर गया, 8 6 48, 8 7 56, 4 इधर गया, 8 5 40, ये भी संख्या कट गई, चेक कर लीजिएगा। तो 8 से ये है कि अंतिम के तीनों अंक अगर 0 हैं या फिर कट जाते हैं, तो वो संख्या 8 से विभाजित है। 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, 9 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि जैसे 3 का नियम है, 3 का नियम क्या है दोस्तों, अगर हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद संख्या कट जाती है, तो वही सेम फार्मूला है, जैसे कोई संख्या ले लीजिए, 8 8 8 8, 3 कितना हुआ, 8 8 16 8 24, ये 24 हो गया, 9 24 से कटा, 9 3 27 हो गया, नहीं कटा, तो ये नहीं विभाजित होगा। और हमने लिए जैसे 6 6 6 6 6 6 18 हुआ, ये 9 2 18 कट गया, मतलब ये भी कर गया, 9 5 45, 9 6 54, 9 6 54, 9 7 63, 9 7 63, 64 65, 3 3 धर गया, 9 6 36, ये संख्या कट गई 9 से, देखिए ना। तो दोस्तों ऐसे 9 का होता है, 10 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, 10 से नियम ये कहता है, यदि किसी का, किसी संख्या का इकाई का 0, इकाई का अंक 0 है, तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे 510 हो गया, 610 हो गया, 810 हो गया, 1110 हो गया, इसमें इकाई का अंक 0 है, मतलब संख्या 10 से विभाजित, 10 5 50, 10 1 10, 10 6 60, 10 1 10, 10 8 80, 10 1 10, 10 1 10, 10 1 10, 10 1 10, यही हो जाएगा। तो ऐसे से 11 से विभाजिता का नियम, 11 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, इसमें दोस्तों 11 से दी गई संख्या जो होगी, दी गई संख्या के सम तथा विषम के अंक जोड़ने पर उनके बीच का अंतर जो है 0 है। जैसे सम और विषम, जैसे कोई संख्या दी गई 6012, 4015, सम और विषम संख्या के स्थान पर ये संख्या दोस्तों 1 2 3 4, मतलब ये संख्या ये विषम है, विषम स्थान पे है, और ये दोनों क्या है, सम स्थान पे है, इसमें भी 1 2 3 4, ये विषम स्थान पे है और ये जो है सम स्थान पे है, तो सम और विषम संख्याओं का योग होता है। तो जैसे इसमें योग है, तो हो गया 2, 1 में 2 हुआ, और ये जो ये सम वाला है 7 हो गया, इनके बीच 7 में 2 माइनस करेंगे तो 5 हो गया, और 5 विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो संख्या नहीं होगी जिससे अंतर 0 आ जाए और हम उसको जोड़ेंगे। अगर वो कट जाता है, 0 आएगा अगर, जैसे हम घटाएंगे व्यवस्था के नियम 11 में,
तो जीरो आना चाहिए या कोई ऐसी संख्या है जो 11 से कट जाए, तो इसके बीच का अंतर कितना आ रहा है, सात, सात में से दो गया तो पाँच हुआ, और पाँच बचा, पाँच 11 से विभाजित नहीं होगा, पाँच 11 से विभाजित नहीं होगा, तो ये जो संख्या है ये मतलब 6012 11 से विभाजित नहीं होगी। और 4015 है, 4015 में जो जीरो आता है अंत में, तो जीरो जो है विभाजित हो जाएगा, जैसे चार ये पाँच हुआ, चार एक पाँच हुआ, इसके बीच का जीरो डिफरेंस है, तो ये संख्या जो है कट जाएगी, 4012 ग्यारह, ग्यारह ये 33 हुआ, 33 सात इधर गया, 11 सत्तर 70 एक बचा, जैसे 11 33 हुआ, 33 और उसके बाद सात, 11 छक्का छाछठ, छाछठ और पाँच इधर, 11 55 ये संख्या कट गई, लेकिन ये संख्या नहीं कटेगी। अब देखिए 12 से विभाज्यता का नियम, 12 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो 12 से दोस्तों विभाज्यता का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या 3 और 4 का नियम फॉलो होना चाहिए। तो 3 का नियम क्या था दोस्तों, कि कौन संख्या जैसे दी जाती है, जैसे 7 8 4 8 हो गई, 5 8 3 8 हो गई, इन संख्याओं का योग 8 7 15 4 19 19 8 27 27 हो गया, और 27 जो है अगर 3 से कट जाए, 3 9 27 कट गई। तो 4 का नियम क्या था दोस्तों, 4 का नियम कि इधर दो संख्या अगर कट जाती है, 4 का नम 4 4 9 8 कट गई, मतलब ये संख्या विभाजित है, 8 5 13 13 14 15 16 16 8 24, तो ये संख्या 3 से तो कट गई, अब ये 4 4 24 4 7 ये देखिए ये संख्या नहीं कटेगी, क्योंकि ये जो है 38 है, 4 24 4 4 8 32 27 27 जो है विभाजित होती है, तो होगी तो 27 जो है ये 3 से विभाजित हो गई, 3 9 27 ना, तो 3 का फॉलो कर गया, 4 का लास्ट संख्या 4 से कटनी चाहिए, 4 इतना 4 दुनिया 8 भाई कट गया, तो अब ये वाला नियम मेरा सक्सेस हो गया। 12 से 13 से विभाजिता का नियम देखते हैं, 13 से विभाजिता का नियम, 13 से नियम क्या कहता है, कोई संख्या है उसके इकाई को 4 गुना करके बाकी में जोड़ना है, ठीक है, तो कोई संख्या जैसे 8 8 4 और 4, इसके इकाई को 4 गुना कर देते हैं, 16 हुआ, अब बाकी में जोड़ना है 16, तो 6 4 10 हो गया, 8 1 9 1 10 हो गया, 8 1 9 ना, तो 900 हो गया, 13 अगर विभाजित हो जाए संख्या तो मतलब संख्या कट जाएगी 13 से, तो 13 3 39, 13 चौका 52, 13 5 65, 13 6 78, क्या 13 6 78, 79 80, 10 90 मतलब 12, 13 3 39 मतलब ये नहीं कट रही है संख्या, तो हम दूसरी संख्या ले लेते हैं 8 8 4, ये संख्या देखो 4 से इसको स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 4 चौक 16, 88 में 16 माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे तो कितना हुआ, 8 1 9 1 10 104 हुआ ना, 104 में 4 को हम फिर से कर सकते हैं, ये तब तक करेंगे जब तक कि मेरा कट न जाए संख्या, तो 4 4 का स्क्वायर होगा 16, फिर हम ये 16 प्लस कर देंगे तो 26 हुआ, अब 13 दूनी 26 मतलब कट गया ये संख्या 13 से विभाजित है, ठीक है। 14 देखते हैं हम लोग, 14 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, 14 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, अगर 2 और 7 से है विभाजित, 2 और 7 से विभाजित है तो वो 14 से भी विभाजित होगी, ठीक है। तो जैसे हम ले लेते हैं कोई संख्या 37 10, अब हम इसको 1 को 2 गुना कर देते हैं क्योंकि इसका कोई औचित्य ही नहीं है ना, तो 1 को 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही तो होगा, 1 का 2 गुना करेंगे तो 1 का 2 गुना करने पे कितना होगा, करके देखिए 1 का 2 गुना 2 हो जाता है, इसका 2 गुना 2 होगा तो हम इसको 2 जो है माइनस कर देंगे, 35 हो गया। ये कौन सा नियम है, ये जो है हम यूज़ कर रहे हैं 7 का नियम, ठीक है, तो ये क्या हुआ, 7 5 35 कट गया, अगर कोई संख्या 2 0 है मतलब 2 से विभाजित हो रही है तो 37 10 अब हम विभाजित करते हैं, तो 14 14 दूनी 28 32 22 28 32
नौ इधर गया, 14, 17, 91 कट गया, मतलब ये संख्या विभाजित है। 15 से विभाजिता का नियम, इसमें दोस्तों क्या कहता है, 15 से विभाजिता का नियम, अगर 3 और 5 से, अगर 3 और 5 से विभाजित है तो वो 15 से भी होगी। तो 3 का नियम तो आप लोग जानते ही हैं, 840 ले लेते हैं, 9, 4, 9, 4, 8, 1, 5 ले लेते हैं, दो संख्याएं हैं। 3 का नियम 8, 4, 12 3 से विभाजित होगी। अब 5 का नियम क्या है, लास्ट में 0 होना चाहिए, या 0 हो या 5 हो तो ये संख्या विभाजित है, 5 होना चाहिए लास्ट में, ये 5 का नियम है। अब सबको जोड़ लेते हैं, 9, 4, 13, 8, 21, 22, 5, 27 3, 9, 27 ये भी पहले मतलब कट जाएगा, देख लो करके फाइनल। तो दोस्तों ये है विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम किस किस मेथड में ज़्यादा यूज कर सकते हो आप लोग, तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड एक ऐसी विधि है जिसमें विभाजिता का नियम बहुत काम आता है। अगर हमको संख्या पता होगी कौन सी संख्या में हमको भाग दें तो कट जाएगा, तो हम तुरंत जो हमको पता होता है क्योंकि अंक हमको मिलता है, तो हमें तुरंत ज्ञात हो जाता है कि हमको ऐसे करना है ऐसे करना है, नहीं तो उसी में लोग झूठते रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। दोस्तों इसका जो है नियम जो है बहुत ही शानदार है, जिसे हम आपको कुछ बताना चाहेंगे, उदाहरण देते हैं, उदाहरण देने से पता चल जाएगा ना। तो दोस्तों उदाहरण अब जिसे करके देखते हैं, ओके। हाँ दोस्तों, विभाजिता का नियम में ये जो नियम हमने आपको 15 बताए हैं इसका यूज, जैसे अभाज्य गुणनखंड खंड के लिए, इसमें जैसे अभाज्य गुणनखंड, दोस्तों हम कोई संख्या ले लेते हैं और उसको जैसे हमने लिया 540, तो हमको पता है सबसे पहले 0 है मतलब 2 से काटते हैं, तो 2 4 2 7 14, फिर 0 है 2 से कटेगी, 2 2 3 6 2 5 10, 5 है इसमें 0 या 5 है तो 5 से कटेगी, 5 2 10 5 7 35 ना। अब लास्ट में संख्या ये जो 27 है, अब 27 संख्या आप लोग 2 7 2 9 9 मतलब 3 से कट गई ना, 3 9 27 3 3 9 3 1 9 3, तो अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ 540 का इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 3 × 3 × 3, और दोस्तों लास्ट में × 1 जरूर लिख देंगे, ये है आंसर हो गया। हाँ तो दोस्तों ये था हमारा विभाजिता का नियम जो हमने पूरा डिस्कस किया। दोस्तों जो भी दो वीडियो में आपको कमी लगी हो, जो ना समझ में आया, आप हमको बताइए, हम उस पर आगे उसको सही करेंगे। अगली वीडियो हमारी इससे अभाज्य गुणनखंड होगा, अगली वीडियो हम LCM और HCF पे अपलोड करेंगे, आप लोग बताइएगा जिस ये वीडियो कैसी थी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।